यू आर फेसिंग अ एक्ट ऑफ गॉड। ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। दोस्तों लोग पूछ रहे हैं कि बच्चन साहब और निर्मला सीतारमन में क्या फर्क है। बच्चन साहब गिरे हुए पैसे नहीं उठाते थे और निर्मला जी गिरी हुई जीडीपी नहीं उठाती। और मैं पूछता हूं कि उठाए भी क्यों। वैसे भी आत्मनिर्भर भारत के टाइम में हर किसी को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। लॉकडाउन में भी सरकार मजदूरों को गोदी में लेकर घर छोड़कर थोड़ी आई थी, वो तो खुद पैदल चलकर घर गए थे। उसी तरह जीडीपी को भी अगर ऊपर उठना है तो वो खुद खड़ी हो, नहीं तो मदद के लिए सोनू सूद को कॉल कर दे। वैसे भी निर्मला जी ने तो कह ही दिया है कि जीडीपी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से गिरी है। ये बात अलग है कि ज्यादातर बीजेपी वालों के लिए मोदी जी ही गॉड है। कुछ बदतमीज ये भी कह रहे थे कि जब पेट्रोल की कीमत कम हो रही थी तो मोदी जी ने कहा था कि मेरी किस्मत अच्छी है, और अब जीडीपी गिर रही है तो वो इसे भगवान की मर्जी बताया जा रहा है। ये तो चीटिंग है। अच्छी चीज हो जाए तो उसे प्रधानमंत्री अपनी किस्मत से जोड़ लें, और कुछ बुरा हो जाए तो उसे भगवान की मर्जी बताकर अपनी जान छुड़ा लें। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कुछ नासमझ लोग बोल रहे हैं, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। मेरा मानना है कि भगवान तो होते ही इसलिए ताकि वो अपने भक्तों को मुसीबत से निकाल सके। अगर जीडीपी गिरने पर मंत्री जी थोड़ी परेशान है तो क्या भगवान का नाम लेकर अपनी दुख कुछ कम नहीं कर सकती। बिना हेलमेट के ड्राइव करने वाले बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो वो ये नहीं कहता कि मैं ही गधा था, मैं ही हेलमेट नहीं पहना था इसलिए सिर फुड़वा लिया। वो कहता है भगवान की शायद यही मर्जी थी। सच पूछो तो मुझे तो निर्मला जी से हमदर्दी है। कोरोना से पहले हमारी जीडीपी धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन कोरोना ने एक झटके में उसे नीचे गिरा दिया। ऐसा करके कोरोना ने निर्मला जी से उनका हक छीन लिया। जैसे बच्चे समुद्र के किनारे रेत के घर बनाते हैं तो उन्हें पता होता ही है कि वो लास्ट में इसे तोड़ेंगे ही, मगर कोई और बीच में आकर इसे तोड़ दें तो उन्हें बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि किसी ने उनका हक मार दिया। मगर वित्त मंत्री के इस दर्द को समझने की बजाय कुछ लोग अभी भी मजाक करने में लगे हैं। कह रहे हैं कि मैम को कुछ साल पहले वित्त मंत्री बना दिया गया होता तो प्रशांत भूषण पर लगे एक रुपए का जुर्माना भी आज लोगों को ज्यादा लगता। हो सकता है तब वो एक रुपए की बीड़ी रकम देने के बजाय 3 महीने के लिए जेल जाना पसंद करते। खैर मजाक अपनी जगह है दोस्तों, मगर सच तो यह है कि देश की जीडीपी सच में काफी गिर गई है, और मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे गिर गई तो देश के टीवी जर्नलिज्म से जाके टकरा जाएगी। वैसे एक दोस्त पूछ रहा था कि यूट्यूब वीडियो के लाइक डिसलाइक की तरह क्या हम जीडीपी आंकड़ों को भी डिसेबल नहीं कर सकते ताकि वो किसी को दिखाई ही ना दे। बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो वो भी कर लो। वैसे भी अच्छे काम के लिए कभी देरी नहीं होती दोस्तों। अभी चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।